नमस्कार, सलाम, आदाब। आसमा शायरी का आकाश, इस नाम की महफिल में, इस छोटी सी महफिल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। इस दफ़े वक्त लंबा गुजर गया आपसे मुलाकात किए हुए, पर मेरी तरफ़ से आपको यकीन दिलाया जाता है कि कुछ मसरूफियात, कुछ मजबूरियाँ बीच में आई थी, जिसके कारण ये देर हुई। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं आपसे दूर हूँ, ये मान के चलिएगा कि अगर दूर हूँ तो मजबूर हूँ, लेकिन फिर भी दिल से आपके उतने ही करीब हूँ और आपका उतना ही मशकूर हूँ जितना हमेशा हुआ करता था। तो आज की पेशकश के बारे में कुछ बता दूँ कि रूह की खूबसूरती, दिल की खूबसूरती और जिस्म की खूबसूरती और चेहरे की खूबसूरती, इन खूबसूरती की अलग अलग किस्मों में शायद कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है आपस में। कोई जो चेहरे से, जिस्म से खूबसूरत हो, ज़रूरी नहीं कि वो दिल से भी खूबसूरत होगा और रूह से भी खूबसूरत होगा। तो आज एक ऐसी ही हसीना की बात हम करने जा रहे हैं जो चेहरे से, जिस्म से तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दिल की या रूह की खूबसूरती, अफसोस नहीं, तो उसी से मुखातिब होकर उसके लिए दुआ करते हुए और उसे बताते हुए कि वो दरअसल है क्या और कैसे है, बयां किया जाता है। यह है एक बद मिजाज हसीना के नाम, एक बद मिजाज हसीना के नाम मेरा ये पैगाम पेश करता हूँ, गौर फरमाइए। है इल्तिजा परवरदिगार से, है इल्तिजा परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न, है इल्तिजा परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न की, क्योंकि अफसोस तुम्हारे नसीब में और कुछ भी उसने लिखा नहीं। है इल्तिजा परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न की, क्योंकि अफसोस तुम्हारे नसीब में और कुछ भी उसने लिखा नहीं। और अब उसके मिजाज के बारे में कुछ आगे बताते हुए, क्या कहूँ बात तुम्हारे बिगड़े मिजाज की, क्या कहूँ बात तुम्हारे बिगड़े मिजाज की, इतने में ही करता हूँ मैं किस्सा मुख्तसर, इतने में ही करता हूँ किस्सा मुख्तसर, किसी और को तो क्या, किसी और को तो क्या, तुमसे मिलकर ख़ुद तुम्हें भी कभी आता मज़ा नहीं। क्या कहूँ बात तुम्हारे बिगड़े मिजाज की, इतने में ही करता हूँ किस्सा मुख्तसर, किसी और को तो क्या, तुमसे मिलकर ख़ुद तुम्हें भी कभी आता मज़ा नहीं। इल्तिजा है परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न की, क्योंकि अफसोस तुम्हारे नसीब में उसने और कुछ भी लिखा नहीं। और आगे उसके बारे में जो है थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कि चांद सा रुख, खूबसूरत चांद जैसा मुखड़ा हो, चांद सा रुख जिस्म खुशनुमा बेहतरीन तराशा हुआ, चांद सा रुख जिस्म खुशनुमा है चाहे शहनाज की, जिसके पास ये हों चांद सा मुखड़ा खुशनुमा जिस्म उस पे नाज करता है, चांद सा रुख जिस्म खुशनुमा हैं चाहे शहनाज की, पर तुम्हारे
केस में। चांद सारुख जिस्म खुशनुमा है चाहे शहनाज की, पर बन चुके हैं बोझ ये, पर बन चुके हैं बोझ ये तुम्हारे लिए तो अब, पर बन चुके हैं बोझ ये तुम्हारे लिए तो अब, क्योंकि बिना रफीक बिना किसी दोस्त के, क्योंकि बिना रफीक बिना महबूब के क्या इन्हें तुमने सहा नहीं। चांद सारुख जिस्म खुशनुमा है चाहे शहनाज की, पर बन चुके हैं बोझ ये तुम्हारे लिए तो अब, क्योंकि बिना रफीक बिना महबूब के क्या इन्हें तुमने सहा नहीं। इल्तिजा है परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न की, है इल्तिजा परवरदिगार से कि उम्र दराज करे तुम्हारे हुस्न की, क्योंकि अफसोस तुम्हारे नसीब में और कुछ भी उसने यानी खुदा ने परवरदिगार ने, क्योंकि अफसोस तुम्हारे नसीब में और कुछ भी उसने लिखा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसने लिखा नहीं। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मुलाकात।